But I've not seen it. हमारे आज के टॉपिक का नाम साइक्लोट्रॉन। हमने कल एक पढ़ा था वेलोसिटी फिल्टर को, उसका मतलब होता है कि इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस वी गेट अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस वेलोसिटीज 20, 60, 100। हमने बना उसमें से जो पार्टिकल चाहिए था हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, 100 वाला सिलेक्ट कर लिया। बट अभी भी उस पार्टिकल की स्पीड इतनी तेज नहीं हो पाई कि जाके वो अटैक कर सके टारगेट के ऊपर। सिलेक्ट तो हमने कर लिया 100 वाला, बट 100 की स्पीड सफिशिएंट नहीं है इसको तोड़ने के लिए, टू हिट द टारगेट, टू ब्रेक द न्यूक्लियस। नाउ वी वांट टू इंक्रीज दैट स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, तेजी से जाके टक्कर मारे इसके ऊपर। तो इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, धक्का मारने के लिए बहुत से डिवाइसेस बनाए गए। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा करने के लिए बहुत से डिवाइस बनाए, किसके लिए? पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। उन्हें नाम दिया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। क्या नाम दिया गया? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ये सभी मशीन क्या करती थी? पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स को धक्का मार के तेज चलाती थी। जो फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर था, जो पहली बार बनाया गया था, उसका नाम था वेंडीग्राफ जनरेटर। आपके सिलेबस में था पहले, पुरानी बुक्स में आपको आज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 5 मार्क्स में वेंडीग्राफ जनरेटर फर्स्ट का टॉपिक है। लेकिन ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस, उसकी कमी की वजह से ज्यादा ना बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता था वेंडीग्राफ जनरेटर, और फिर जाके कहते पार्टिकल को धक्का मारता था। ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस उसका यूज तो हटाया गया प्रैक्टिकल लाइफ से, उसको थ्योरी से और हटा दिया गया। सेकंड जो हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उसका नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। ओके, इसमें फिर 5 मार्क्स के हिसाब से लेके चलेंगे इसको, इसका इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम, और आखिरी में इसकी कैलकुलेशन। और इसी कुछ लिमिटेशन भी होंगी, मेरे पास जगह बहुत कम है, हर चीजें नहीं लिख पाऊंगा मैं। I will write only introduction, principle, make a diagram, working नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी। और क्या लिखेंगे इसकी हम? सिर्फ calculations, working आपको खुद भरनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे cyclotron में? It is the device that is used। और question बहुत important है cyclotron, बहुत important question है exams के point of view से। Time बहुत लगेगा इसको करने में, इसलिए इसको आराम से देखें। That is used to accelerate charge particles, और खास तौर पे कौन से charge particles? positive charge particles। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये negative charge particles को accelerate नहीं कर पाता। वो लास्ट में देखेंगे क्यों नहीं कर पाता। अभी मैं बोल देता हूँ कि charge particle को accelerate करेगा। इसका principle क्या होता है? principle मैं आपको एक और बताता हूँ। हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, then I will tell its principle। आपने ना भी गर्मियों के दिनों में वो देखी होगी गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन। अब एक आदमी ये सोचे कि मैं एक बार गन्ना डालूं मशीन में और सीधा सूखा हुआ गन्ना बाहर निकले, एक बार उसका पूरा जूस निकल जाए गन्ने का, क्या करना पड़ेगा उसको? उस काम के लिए उसको लगाने पड़ेंगे कम से कम 5 या 6 रोलर। एक लगाया रोलर, फिर अगले रोलर लगाया, फिर आगे लगाया, फिर आगे लगाया, लगाएगा ना रोलर के 4 या 5 सेट, ताकि गन्ना एक बार जाए और सूख के ही बाहर निकले, पूरा उसका निकल चुका हो बाहर निकलते वक्त। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होने लग गया ना प्रैक्टिकली, उसकी जो मशीन है ना रेडी, इतनी बड़ी बन जाएगी। नहीं, प्रैक्टिकली क्या होता है? रोलर एक ही होता है, गन्ना बार बार उसमें से क्रॉस होता है, यही होता है। आप पार्टिकल्स देखो, पहला सवाल, एक चार्ज पार्टिकल को धक्का कौन मारेगा? उसको उसकी स्पीड को तेज कौन करेगा? उसकी स्पीड बनानी है अपने को 1000 मीटर पर सेकेंड। सोचना 1000 मीटर पर सेकेंड, वो भगना चाहिए एक सेकंड में 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर भाग जाए वो। इज इट पॉसिबल? यस, वेरी इजली। सोचो एक पार्टिकल को धक्का कौन मारेगा? दूसरा पार्टिकल कैसे? टच में या विदाउट टच? Without touch कैसे? By electric field। तो आप ये बोल सकते हो electric field charge particle को धक्का मारता है। It means मैं एक कमरे में, मैं इस कमरे में, इस दीवार के अंदर charge particle पैदा कर दूँ।
इधर को कर दूं पॉजिटिव चार्ज, इसको कर दूं नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास यहां से यहां फ्लोर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एक अल्फा पार्टिकल रखूं, सो धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन जब तक वो चलना स्टार्ट करेगा ना यहां तक, उसकी स्पीड तो हो जाएगी 10-20 मीटर पर सेकंड, इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। समझ पा रहे हो बात को? यहां से यहां तक पार्टिकल आया, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हुई धक्का लगते लगते, लेकिन यहां तो आके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाना पड़ेगा? बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? यस और नो? यस। कितना लंबा बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कम से कम 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में पैदा करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस, ऐसा बनाया भी गया एक बार, रशिया थर्ड कंट्री में ऐसा बनाया भी गया एक बार, टनल बनाई गई है वाली। लेकिन हर जगह तो पॉसिबल नहीं है बनाने। अपने को इंडिया में कलकत्ता में बनाना न्यूक्लियर पावर प्लांट, अपने को वहां पर रिएक्शन करवानी है, पहले टनल बनाओगे क्या वहां 10 किलोमीटर लंबी जमीन के नीचे? नो। क्या करते हैं? साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है देखना। साइक्लोट्रॉन ऐसे काम करता है कि इतने जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इतने जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं ऐसे। पार्टिकल जब यहां रखा जाएगा उसमें धक्का लगेगा, ड्यू टू दैट धक्का, ड्यू टू दैट फोर्स पार्टिकल यहां पहुंचेगा। जैसे उसकी स्पीड बढ़ी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आया, अपन उसको पकड़ा, वो आगे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। उसकी स्पीड 20, यहां जीरो स्पीड थी, 20 हो गई, 20 से घुमाओ, फिर 20 में फिर एंटर करेगा, 40 हो जाएगी, फिर घुमाओ 60 हो जाएगी, फिर घुमाओ 80 हो जाएगी, फिर पकड़ के घुमा दो 100 हो जाएगी, करते करते तब तक घुमाओ जब तक आपको अपनी रिक्वायर्ड स्पीड नहीं मिल जाती। अगला क्वेश्चन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? उस पार्टिकल को घुमा के लाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करता है? टर्निंग इफेक्ट शो करता है। ये डिफरेंस पढ़ा था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारता है, स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को मोड़ देता है उसी तरफ। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, वहां साइक्लोट्रॉन बन जाएगा। इसी समझ में आई? साइक्लोट्रॉन में एक और इंप्रूवमेंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं करता जैसे मैंने काम बताया है, और एक दो मॉडिफिकेशन है, उनको देखना कैसे काम करता है। तो क्या लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल, यस और नो? यस। एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्टिकल मोशन या मोशन ऑफ पार्टिकल। दोनों में से किसने एक्सेलरेशन क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? स्पीड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलेगी तो भी उसकी वेलोसिटी बदल रही है, और उसकी स्पीड बदलेगी तो उसकी डायरेक्शन वो बदल रही है, वेलोसिटी बोथ क्रिएट एक्सेलरेशन, बट अपने अपने तरीके से, है ना? ये टर्निंग इफेक्ट शो करके, वो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ा करके। अगली चीज, ये देखने में कैसा होता है कि जो बाहर आए ना साइक्लोट्रॉन, उसका डायग्राम कैसे आएगा? तो इसमें एक शब्द आता है डी, शब्द आएगा डी डबल ई डी, उसका मतलब क्या होता है? हमने कभी वो देखा चपाती बॉक्स जहां खाना रखते हैं हम लोग, चपाती बॉक्स देखा है ना आप लोगों ने? उस चपाती बॉक्स को उसी साइज का होता है साइक्लोट्रॉन, थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, उसी लोहे का बना होता है कंडक्टर का। कंडक्टर का बना हुआ क्यों होता है? बिकॉज इस साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हम चाहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए, दैट इज व्हाई इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। लोहे का लेके ना चपाती बॉक्स, सो दो हिस्सों में काट दो इस बीच में से, एक एक हिस्सा यहां चला गया, एक हिस्सा यहां चला गया, दैट इज आवर साइक्लोट्रॉन। बीच में कोई हल्का सा गैप है, और अंदर खोखले हैं वो, ऐसे खोखले हैं अंदर से, वो अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है। देखना तो क्या लिखेंगे भाषा में कि साइक्लोट्रॉन इज मेड अप ऑफ टू डीज, डी डबल ई डी कहा जाता है, मेड अप ऑफ टू डीज। एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, निकल जाता है डीज, डी डबल ई, तो एक हो गया डीज, ये डीज का डी वन और ये डी टू, सही है। अगली चीज, यहां पर लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए अपने को? बैटरी चाहिए ना, क्या चाहिए? बैटरी। बट यहाँ पर हम बैटरी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम अल्टरनेटिंग करंट।
क्या लगाएंगे? अल्टरनेटिंग फील्ड को लगाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए लगातार बदले, तो पहले पॉजिटिव है फिर क्या हो जाए नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या हो जाए पॉजिटिव। ओके, बीच में लगाएंगे सोर्स ऑफ आयन, जहां से अपना आयन पैदा होने वाला है, जहां से हम लोग चार्ज को पैदा करने वाले, इट मे बी अल्फा पार्टिकल, इट मे बी एच पॉजिटिव आयन, इट मे बी एनी आयन। अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाएंगे? या तो लगेगा इनवर्ड या लगेगा आउटवर्ड। कैसा लगाना चाहते हो? इनवर्ड होगा तो क्रॉस लगा देना आप लोग। आपने बोला इनवर्ड, मैंने आपकी बात मान ली इनवर्ड, सिर्फ एक ही फर्क पड़ेगा इनवर्ड आउटवर्ड का, या तो सर्कल क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ओके, यहां तक ऐसे बीच में भी होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब बड़ी खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस इलाके में बस, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी होता है। ये जो खाली बर्तन है ना मेरे पास, ये दोनों खाली बर्तन, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे काम करता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब पार्टिकल अंदर होगा ना इस बर्तन के, मैग्नेटिक फील्ड तो काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। इसे समझ पा रहे हो? इस इलाके में कौन सा फील्ड काम करता है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? दोनों। मैंने ड्रॉ नहीं किए क्रॉस, लेकिन काम तो यहाँ भी करता है। ज्यादा इफेक्ट किसका होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक का। दूसरी चीज, काम स्टार्ट करें, वर्किंग स्टार्ट करें, और समझ गए इसको भी अच्छे से। और ये बहुत हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज वो सोर्स है, हाई वोल्टेज एसी सोर्स है। जब हमने मशीन को ऑन किया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही ये प्लेट हो गई पॉजिटिव, मतलब ये जो डी था वो पॉजिटिव हो गया, ये डी कैसा हो गया नेगेटिव, एक फील्ड क्रिएट हो गया। कहां से कहां ये फील्ड क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पे धक्का लगा, कहां की ओर? नेगेटिव। इसकी स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। ये जैसे इसकी स्पीड बढ़ी, ये पार्टिकल कहां एंटर हो गया? न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज और भूल गया मैं बतानी, कि जो सोर्स ऑफ आयन होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ चार्ज। If I want to create electron, मुझे इलेक्ट्रॉन पैदा करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना, जाके लोहे की रोड लाओ, उसको ज्यादा गर्म कर दो बस, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने स्टार्ट कर देगी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हो जाएंगे वहां से। बहुत आसान है चार्ज पैदा करना, रबिंग से चार्ज पैदा कर सकते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज पैदा कर सकते हैं। खैर, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें धक्का मारा, किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये कहां जाके घुस जाएगा? डी टू में, ये यहां आ गया। जैसे डी टू में इसने एंटर किया, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा इसके ऊपर, इस पे फोर्स लगाएगा, इसको मोड़ देगा वापसी, कहेगा तू बाहर निकल जा, और कहां पहुंच जा वापसी? स्पेस में, स्पेस बिटवीन टू डीज में। कैसे पहुंच जा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ये उंगली कहां सेट करनी है? अब सेट करनी है, सेट करना है इसको, ये अंदर की ओर, सही है। ये उंगली कहां सेट करनी है? सेंट्रल फिंगर, पार्टिकल की ओर। तो अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये पार्टिकल ऊपर तरफ घूमेगा, ऐसे जाएगा बाहर। जैसे पार्टिकल बाहर आया, इलेक्ट्रिक क्या करेगा? इसको अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? अपोज। कुछ भी नहीं, सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंद्र में वो चेंज हो चुका है। समझ पा रहे हो बात? क्यों लगाया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड? समझ में आया? बैटरी लगाते तो क्या होता? बैटरी लगाते तो क्या होता? एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, हमारे नुकसान करता एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे पार्टिकल आया, उसकी स्पीड कितनी थी? 20 थी। अब कितनी जाएगी उसकी स्पीड? 40। जैसे वो D2 में, D1 में गया, फिर से कौन काम करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मुड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे वो वापसी आया बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फिर चेंज हो गया। फिर से उसकी क्या स्पीड कर देगा? 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जब आपको स्पीड अपनी मिल जाएगी ना पर्ची की, यहाँ छेद होता है हमारे, यहाँ पर छेद, उसको विंडो कहते हैं। यहाँ से पार्टिकल बाहर निकलेगा और जो टारगेट होगा वहां से क्या कर देगा अपना, ये हमारी क्या है? विंडो। अच्छा जी, कुछ कुछ समझ में आया? तो इसमें खास बातें सुनो, इसकी वर्किंग समझ में आगे तो मैं कैसे लूंगा। पहली खास बात, हर चक्कर में, बड़े ना बड़े बच्चे चक्कर खाते हैं, चक्कर के अंदर जिसलिए आप लोग चक्कर में रखना, हर चक्कर में क्या क्या बढ़ रहा है ढंग से सुनना।
इन ईच राउंड ईच सर्कल रेडियस बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं? उस पार्टिकल ज्यादा रास्ता काटना पड़ रहा है, कब रास्ता काटना पड़ रहा है, ज्यादा रास्ता काटना पड़ रहा है, मतलब जो रेडियस है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अब उसे अभी ये बताओ बात कि लंबा चक्कर काटने के लिए रैंक कितना लेगा पार्टिकल हर चक्कर में? ज्यादा, मतलब पहले से उसने एक सेकंड में काट लिया, पहले एक सेकंड में बाहर आ गया, जब अगली बार हो जाएगा ना उसके अंदर बी के अंदर, तो कितने में बाहर आएगा? एक सेकंड में कि दो सेकंड में? फालतू टाइम लेगा या कम टाइम लेगा? क्यों? दोनों चीजें बढ़ गई ना उसकी, क्या क्या बढ़ गया? स्पीड भी बढ़ गई और रास्ता भी बढ़ गया, समझ पा रहे हो ना? उसका टाइम क्या रहेगा हमेशा? बट इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम। ये तो थ्योरेटिकल बात है, उसको मैं प्रूफ भी करूंगा अभी, देखना अभी सब तो मैं प्रूफ भी करूंगा, मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा। अच्छा दूसरी चीज हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने टाइम में पार्टिकल बाहर निकले ना, टाइम को अल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने बोला कि वो पार्टिकल एक सेकंड में चार चक्कर लगा रहा था, पूरे एक्सीलरेटर के चार चक्कर लगा रहा था वो पार्टिकल। तो मुझे एक बात पक्का रखना है, मुझे बात ये सेट करनी है कि उन चार चक्करों के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार बार चेंज होना चाहिए। जैसे मेरा पार्टिकल बाहर निकले, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। जितने टाइम में पार्टिकल बाहर आ रहा है यहां से, उतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाए। जब पार्टिकल फिर बाहर आए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाए, फिर बाहर आए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाए। मतलब मुझे जो पार्टिकल की स्पीड है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, किसके साथ सेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी के साथ। मेरा अगर पार्टिकल एक सेकंड में 10 चक्कर काट रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड में 10 ऐसे ऊपर होना चाहिए, होना की चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर एकदम ग्रिड वीडियो चाहिए तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? मेरा एक्सपेरिमेंट तो क्या हो गया? और ये काम सबसे मुश्किल काम होता है। क्या काम? इसको नाम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एक आता है सिंक्रोनाइजेशन, अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आता है, बट सिंक्रोनाइजेशन कहीं जगह जेड लगा हुआ होगा, देख लेना जेड है कहीं, ऐसे दो अलग अलग लैंग्वेज है, अमेरिकन एक ब्रिटेन, कहीं जेड होता है कहीं ऐसा होता है। क्या मेरे को होता है सिंक्रोनाइजेशन का? टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एंड दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? ओके, ये तो होगी हमारी नोट वाली बात है, जो आपको नोट करनी थी कि पार्टिकल जब लंबा चक्कर काटेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बट टाइम क्या रहेगा उसका? यह समझ में पक्का? आगे आती है कैलकुलेशंस, क्या निकालना है कैलकुलेशंस? डू यू वांट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? Do you want to calculate time rate of the particle? जो भी निकालना है आराम से निकाल दो, बस एक बार याद रखना पार्टिकल कैसा घूम रहा है? गोल गोल। कैसा घूम रहा है? गोल गोल। घूमने का मतलब क्या? तो उसपे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? बस एक चीज आपको याद रखनी है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहाँ पर उसको घुमाया किसने? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, क्या प्रॉब्लम होता है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का? थीटा तो 90 डिग्री रखा ही रखा है हमेशा, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड। मुझे यहाँ से वी से भी खत्म हो जाएगा ना, आई एम गेटिंग आर बाई वी, तो इसको उल्टा कर सकते हैं, देखते हैं। आर बाई mv is equal to 1 by qb, सही है? अच्छा, यहां से क्या जाएगा? mv वो ऊपर जाएंगे तो r by v is equal to m by qb, यहां से टाइम को पुट करेंगे, टाइम विल बिकम इक्वल टू 2 पाई r by v की जगह m by qb।
देखो यहाँ सब चीजें कॉन्स्टेंट है, जो पार्टिकल घूम रहा होगा मान लो अल्फा पार्टिकल है, उसका मास तो कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा, उसका चार्ज भी कॉन्स्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक लगा सीधी शेड से, टाइम कैसा है मैथमेटिकली प्रूफ हो चुका है, इट मीन्स कि पार्टिकल क्या टाइम डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, नो यहाँ देखना आराम से, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या सिर्फ रहने वाला है उसका टाइम एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, ये एम इसके तो आपके पास था ही था, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, हाफ से कर दो वहां पे, आर को वहां पका दो, यू विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे आपके पास एक ही चीज काम की थी, टाइम पीरियड आपने निकाल ही दिया, अगली चीज क्या आती है इसमें आती है, मेरे पास पांच चीजें हो चुकी हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा डायग्राम, चौथा वर्किंग। वर्किंग आप लोग लिख लेंगे ना, वर्किंग की जगह आज ना वर्किंग का टाइम है, ये आप लोगों की वर्किंग मैं चेक करूंगा। पांचवी चीज कैलकुलेशन, वो दो बातें आपको वैसे लिखवा दी बीच में एक्स्ट्रा, और लास्ट आती है इसकी लिमिटेशन, कुछ कमियां भी सिंक्रोट्रॉन के अंदर, बंदू कमियां क्या है, पहली सबसे बड़ी कमी इट इज नॉट एबल, नॉट एबल टू एक्सेलरेट चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने हल्के होते हैं, इतना तेज भागेंगे कि हम लोग बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन चाहिए होंगे उसके लिए, अल्फा पार्टिकल तो बहुत भारी होता है खुद हम संभाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेडियस इतनी बड़ी बन जाती है उसको हम संभाल भी नहीं पाते, यहां से देख सकते हो आप लोग, और मास ऊपर जाएगा ना, मास ऊपर जाएगा रेडियस विल बी डिपेंडेंट ऑन मास, उल्टा बोल गया क्या, वेलोसिटी ज्यादा बनेगी, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है ना, इतना तेज भागेंगे इलेक्ट्रॉन उसको संभालने हमारे बस की बात नहीं होगी। अगली चीज बताया ना जो मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन, जितने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा उतने टाइम में पार्टिकल बाहर आना चाहिए, जितने टाइम में पार्टिकल बाहर आ रहा है उतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना चाहिए, ये काम आसान होता है क्या, ये काम कंप्यूटर भी नहीं कर सकता कई बार, तो कंप्यूटर भी बहुत गलतियां करता है, बहुत गलतियां आती है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसका करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, हमें कमियां जाती है सिंक्रोनाइजेशन। लास्ट सबसे बड़ी कमी, क्या वेलोसिटी के साथ किसी इलेक्ट्रॉन का मास बदलता है क्या, यस और नो, यस, मास इज नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इट चेंज विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हाउएवर चार्ज इज नेवर, चार्ज इज इनवेरियंस, उसमें बदलाव नहीं आता कभी भी, मास में बदलाव आता है, तो फॉर्मूला बनता है मास का, m इज इक्वल टू m नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जानते हो चीज, पढ़ रहे थे पहले कभी, c इज स्पीड ऑफ लाइट, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल भागेगा उसका मास कम हो जाएगा, उसका इफेक्टिव मास, और m नॉट रेस्ट मास, जो पार्टिकल रुका हुआ होगा ना तो उसका मास कितना होता है, भागेगा तो उसका मास कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मास को क्या पुट करें, हालांकि चार्ज नहीं बदलता, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मास इज वेरियंस, मास वेरियंस होता है, बदलता है, वेरिएबल होता है पार्टिकल का, हम लोग भागेंगे हमारा मास नहीं बदलेगा, किसी सोचे हमारा बदल जाएगा, हमें तो तेज नहीं भागते कभी भी, इतनी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, वो बहुत तेज भागते हैं पार्टिकल्स, उनका मास बदल जाता है, हालांकि चार्ज नहीं बदलता कभी भी, प्रॉपर्टी बड़ी थी आप लोगों ने चार्ज इनवेरियंस इन नेचर, बड़ी थी चार्ज इनवेरियंस इन नेचर, तो मास इनवेरियंस नहीं होता। तो कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, साइक्लोट्रॉन की, इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग अगर आपको समझ में आई है तो अपने लैंग्वेज में इसको लिख के आना, डोंट कॉपी माई लैंग्वेज, ठीक है, इसको एक बार पॉज करो, ये लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज है, इफ यू वॉन्ट टू कॉपी इट यू कैन डू इट, इसको देख लेना पॉज करने के बाद, आपको काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तो दो या तीन पेज में लिख रखा होगा मैंने, यहाँ तीन पेज में भर रखा है मैंने, इसकी वर्किंग पूरे एक पेज की, जो समझाई ना मैंने आपको वर्किंग, पूरी पूरी वर्किंग एक पेज में लिखी हुई है ये वाली, नोट लिखवाया नोट ही रहे ऐसे के वाले।
ट्रैकिंग में दो चीजें निकलवा रखी हैं, एक निकलवा रखा है टाइम पीरियड, एक निकलवा रखा है मैंने आपको फ्रीक्वेंसी। काफी अच्छा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आराम से करिएगा। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।